फ्रेंड्स, वेलकम टू डेंस डेलिकेसी। आज बनाएंगे इस बार का विजयदशमी स्पेशल रोज रसगुल्ला। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, आप फॉलो कीजिएगा। एकदम सुपर स्पॉन्जी रोज रसगुल्ले बनेंगे। सुपर स्पॉन्जी रोज रसगुल्ला की रेसिपी को आप बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिए। 1 लीटर टोंड मिल्क ले लिया है, इसे मैंने बॉईल करने के लिए गैस पर चढ़ा दिया है। मिल्क को फाड़ने के लिए मैंने व्हाइट विनेगर का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो नींबू का रस भी ले सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच मैंने व्हाइट विनेगर लिया है, उसमें हम 1 बड़ा चम्मच पानी ऐड कर देंगे। विनेगर को डाइल्यूट करके ही यूज़ करना है। मिल्क बॉयल हो गया है, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। मिल्क को चलाते हुए 3-4 मिनट तक ऐसे ठंडा कर लेंगे। विनेगर और पानी के मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके हम मिल्क में ऐड करेंगे और चलाते भी जाएंगे। एक साथ हमें बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, क्योंकि जैसे ही दूध फट जाएगा हमें वहीं पर स्टॉप कर देना होगा। दूध फट गया है, अब हम और विनेगर नहीं ऐड करेंगे। विनेगर हमारा बच गया है, उसे हम अलग रख देंगे। छेना को अब हमें छान लेना है। छानने के लिए हम एक कंटेनर में छलनी लगा देंगे और उसके ऊपर से डाल देंगे एक कॉटन का कपड़ा। केयरफुली हमें छेना को छान लेना है। छेना को छानने के बाद हमें इसे ठंडे पानी में वॉश कर लेना है। इससे हमारा विनेगर का जो खटास है वो भी निकल जाएगा और छेना तुरंत ठंडा हो जाएगा। छेना तुरंत ठंडा हो जाने से हमारे रसगुल्ले जो हैं बहुत सॉफ्ट बनेंगे। छेना को वॉश करने के बाद हमें ऐसे हैंग कर देना है, जब तक कि नहीं इसका पूरा वाटर जो है ड्रेन हो जाता। छेना से पूरा एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल चुका है। अब इसे हम एक बड़े कंटेनर में निकाल लेंगे। इसमें ऐड कर देंगे हम 1 चम्मच मैदा या कॉर्नफ्लोर, जो आपके पास अवेलेबल हो वो ऐड कीजिए, और 1 पिंच रेड कलर। मिक्स करेंगे अच्छे से। पाम के यहाँ से हमें प्रेशर देना है और मसल लेना है छेना को। छेना को अच्छे से 7-8 मिनट तक मैंने मसला है। आप देखिए ये कितना स्मूथ हो गया है एकदम। छेने में अगर ज़्यादा पानी है तो उसे ज़्यादा देर तक हैंग करना होगा और उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देना होगा। और अगर छेना ज़्यादा ड्राई हो गया है तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर हमें गूंथना है। अगर छेना सॉफ्ट होगा, देखिए कितने जल्दी से गोलियाँ बन गई। इसी तरह हमें पूरे छेने से गोलियाँ बना लेनी है। 1.5 लीटर पानी ले लिया है एक बड़े कंटेनर में। इसे मैंने गैस जलाकर चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। इसे में हम ऐड कर देंगे 300 ग्राम शुगर। शुगर को मेल्ट होने देते हैं। शुगर मेल्ट हो गया है, हमारी चाशनी बनकर रेडी है। चाशनी हमारी 1 तार या 2 तार की नहीं बनेगी, बस शुगर मेल्ट हो गया और रसगुल्ला के लिए चाशनी रेडी है। छेना की गोलियां भी बनके रेडी है। इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान देना है। अब इन गोलियों को हम उबलते हुए शीरे में डाल देंगे। 1 बाय 1 करके डालेंगे, जिससे शीरा का टेम्परेचर डाउन ना हो। छेना बॉल्स को ऐड करने के बाद हमें इसमें ऐड कर देना है रोज एसेंस। रोज एसेंस 4 से 5 ड्रॉप हम ऐड करेंगे। इसके बाद हमें कवर कर देना है कंटेनर को। अब ये ऐसे ही कुक होगा 15 मिनट्स के लिए। 15 मिनट्स हो गए हैं, लिड को रिमूव करके एक बार देखेंगे। देखिए रसगुल्ले का साइज जो है एकदम दुगना हो गया है। अभी इसमें सफिशियंट रस है तो हमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका रस कम हो जाता है तो आप इसमें गर्म पानी ऐड कर दीजिए। कवर लगा देंगे फिर से और 5 मिनट्स के लिए और कुक करेंगे। एक कंटेनर में हमें आइस ले लेना है।
एक ट्रे आइस हमने डाल दिया इसमें, अब हम इसमें डाल देंगे 1 लीटर फ्रिज का ठंडा पानी। 5 मिनट्स हो गए हैं और मतलब टोटल 20 मिनट्स हो गए हैं। रोज रसगुल्ला तो कुक हो चुका है, लेकिन हमें यहाँ गैस का फ्लेम बंद नहीं करना है। रोज रसगुल्ला को ऐसे 1 by 1 उठाएंगे छलनी में और फिर इसे हम आइस वाटर में प्लेस कर देंगे। ऐसा करने पर हमारे जो रोज रसगुल्ला है वो सुपर स्पॉन्जी बनेंगे। यहाँ हमारे रसगुल्ले का साइज जो है फ्रीज हो जाएगा। सारे रसगुल्ले को आइस वाटर में हमने डाल दिया है। इस प्रोसेस के करने से ही हमारा रसगुल्ला सुपर स्पॉन्जी बनता है। अब हम शीरा को ठंडा होने के लिए रख देंगे। शीरा को ठंडा होने के लिए आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, या एक कंटेनर में मैंने बर्फ रखा है उसके ऊपर ऐसे हम रख देंगे शीरा को ठंडा होने के लिए। पूरे आधे घंटे के लिए हमें रसगुल्लों को ऐसे ही ठंडे पानी में छोड़ना है। शीरा और रसगुल्ला दोनों ठंडे हो गए हैं। अब हम शीरा को छान कर एक कंटेनर में रख लेंगे। आइस वाटर में से रसगुल्ले को निकालना है। थोड़ा सा हाथ से ऐसे प्रेशर देंगे और एक्स्ट्रा पानी इसका सब निकाल देंगे। उसके बाद इस रसगुल्ले को हमें शीरा में डिप कर देना है। एक लीटर मिल्क से हमारा 16 रसगुल्ला बनके तैयार हुआ है। देखिए साइज इसका कितना बड़ा हो गया है शीरा में जाते ही। रोज रसगुल्ला बनकर तैयार है। रोज रसगुल्ले को आप फ्रिज में रखकर ठंडा ही सर्व कीजिएगा, ये ठंडा खाने में ही अच्छा लगता है। एक रसगुल्ला को मैं कट करके दिखाती हूँ, आप देखिए कितना स्पॉन्जी और सॉफ्ट बना है। इस बार विजयदशमी आप रोज रसगुल्ले से ही सेलिब्रेट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।